प्रश्नावली 2.5। तो प्रत्येक सवाल में से एक सवाल हम आपको हल करके बताएंगे, उसी के आधार पे बाकी प्रश्न आपको स्वयं हल करना है। यह है हमारा पेज नंबर 64, प्रश्नावली 2.5। सबसे पहला क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसके पहले जो हमने वीडियो आपको भेजा है वर्ग और वर्गमूल का, उसमें गुणनखंड विधि और भाग विधि हमने दोनों बताया। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, भाग विधि से ज्ञात करना है। सबसे पहला सवाल है नंबर वन, हम लेते हैं इसमें 2, 9, 1, 6, 0, 0, 2, 9, 1, 6, 0, 0, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,00,000, 91,600। तो हमको इसका वर्गमूल ज्ञात करना है किस विधि से, भाग विधि से ज्ञात करना है, किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए वर्ग मतलब क्या होता है, उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करना, जोड़ा जोड़ा। तो हम इसमें से जोड़ा जोड़ा ले लेंगे 2, 9, 1, 6, 0, 0। इधर से आप जोड़ा बनाना शुरू कीजिए, हमेशा जोड़ा बनाने के लिए दाएं से बाएं जाना है। तो यहाँ पर लास्ट में हमारा क्या आया, 29। अब 29 में हम देखेंगे किसका स्क्वायर जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 5 का स्क्वायर, 5 5 25, 5 5 25, 5 5 25, 6 6 36, 6 बड़ा हो जाता है तो हम 5 लेंगे, 5 5 25, माइनस करेंगे हम, माइनस करेंगे 9 में 5 गया कितना आएगा 4, 2 में 2 गया 0। अब जितना बार हम इसको भाग दिए हैं उतना ही संख्या इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 5 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10। अब यहाँ से हम दो संख्या दो अंक उतार लेंगे, तो दो अंक उतार लिए तो हो गया हमारा 416। तो 416 और यहाँ कितना बचा है हमारा 10। तो 10 के बगल में हम कौन सी ऐसी संख्या रखेंगे जिससे कि 416 में भाग जाएगा, तो 16 है तो 4 चौके 16। तो हम यहाँ 4 रंग लिखते हैं, यहाँ 4 लिखे तो यहाँ भी 4 लिखेंगे, 4 चौके 16 का 6, 4 को 0 से गुना किए तो हुआ 0, 1 बचा था 1, 4 का 4। तो ये हमारा पूरा चला गया। अब यहाँ पर 2 0 हमारा बाकी बच गया है, कितना बार हम किए थे 4 बार थे, 4 हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 108। अब यहाँ 0 लिखेंगे, 2 0 हमारा ऑलरेडी यहाँ है, यहाँ भी हम क्या करेंगे 0। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो हमारा कितना आया आंसर 540, यही हुआ हमारा आंसर 540। तो इसी तरह से आप पूरे जो बाकी बचे सवाल है उसको हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में क्या कहता है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर संख्या दशमलव में दिया हुआ है, तो जैसे आप इसको किए उसी तरह से उसको भी हल करना है, लेकिन संख्या किसमें है, दशमलव में दिया हुआ है। तो हमारा सबसे पहला है संख्या 51.84, 51.84। तो हम संख्या को लिखेंगे 51.84, जोड़ा बनाएंगे तो इसी तरह से हमारा जोड़ा आ रहा है। अब हम देखेंगे 51 में किसका स्क्वायर जाएगा, तो सत्य सत्य क्या होता है 49, सत्य सत्य 49, माइनस करेंगे 11 में 9 गया 2, 4 में 4 गया 0। अब यहाँ पर हम दशमलव देंगे तो यहाँ पर भी दशमलव हम डालेंगे, बस इतना ही अंतर है, यहाँ दशमलव था 51 के बाद, तो हमने दशमलव के बाद जो संख्या है दो संख्या उतार लेंगे, तो हमारा हो गया 284। हमने
कितना बार भाग किया था? 7 बार। वर्गमूल निकालने में मुख्य चीज जो है वो है कि जितना संख्या हम यहाँ लिखेंगे उतना ही संख्या हमारा यहाँ भी आएगा, दोनों जगह सेम होगा। अब 7 को हम जोड़ देंगे तो 7 कितना हो जाएगा? 14। अब इसके बगल में हम कौन सी संख्या रखेंगे? इकाई देखेंगे कितना है? 4। तो 2 का वर्ग 2 × 4 2 × 4 आता है, गुना करेंगे 2 से 2 × 4 2 × 4 8 2 × 1 2। तो इस तरह से पूरा खत्म हो गया। तो हमारा आंसर कितना है? 7.2। आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के न्यूनतम संख्या कितनी घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो कहता है प्रत्येक न्यूनतम संख्या कितनी घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा, और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का क्या करना है? वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो यहाँ 2 स्टेप में बनेगा। प्रश्न नंबर 3, सबसे पहला सवाल है 1989। अब इसका निकालेंगे वर्गमूल 1989। इसी तरह से हम जोड़ा जोड़ा करेंगे, इधर से लेंगे कितना बचा? 19। अब 19 में किसका वर्ग जाएगा? 2 × 4 3 × 9 4 × 16 5 × 25। तो हम क्या लेंगे? 4 × 16। अब 9 में 6 गया 3, 1 में गया 0। हम 89 उतार लेंगे, इसमें हो गया हमारा 389। अब हम इसमें कितना जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा? 8। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा है 9, यहाँ है 302। हम क्या करेंगे? अंदाज लगाएंगे, 8 किया 34 हो जाता है, 8 × 32। 4 बार करके देखते हैं आता है कि नहीं आता है। चार अठे बत्तीस और एक तैतीस। यहाँ पर हमारा 9 में 6 गया 3 और 8 में 3 गया 5। यानी दी गई संख्या में हम कितना घटाएंगे? 53 घटाएंगे। कितना घटाएंगे? 53 घटाएंगे। तो 53 घटाएंगे, यहाँ हम लिखेंगे 1989 में 53 घटाने से पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। 1989 में हम घटाएंगे कितना? शेष कितना बचा था? 53। यहाँ 53 हम घटा देंगे तो हो गया 9 में 3 गया 6, 8 में 5 गया 3 और यहाँ 19 × 19 तो 1936। कितना आया? 1936। ये नई संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है, और उसका जो वर्गमूल होगा कितना होगा? 44 यानी 44 होगा। निकाल के देखिए 1936 नई संख्या है। 1936 हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, 4 × 16 3 × 3 6 यहाँ 4 ऐड कर दिए तो 4 × 4 8 हो गया, बगल में रखेंगे 4, यहाँ भी रखेंगे 4, 4 × 16
आएगा 4 8 32 और 1 39। खत्म हो गया, यानी जो हमारी नई संख्या बनी 1936 उसका वर्गमूल कितना आएगा 44। इसका वर्गमूल कितना रहा है 44। तो हम लिखेंगे से पूर्ण वर्ग संख्या कितना प्राप्त हुआ 1936। 1936 का वर्गमूल कितना आया 44 होगा। तो हमारा क्वेश्चन जो था वो दो पार्ट में था। पहला था कि कितना घटाया जाए, तो कितना घटाया जाए, यहाँ पर शेष हमारा बचा था 53, यानी 53 घटाने से पूर्ण वर्ग संख्या क्या मिला 1936। तो हर एक स्टेप को आप ध्यान से देखेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए, 3 में क्या था कितना घटाया जाए, इसमें है कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ही ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जोड़ने के लिए बोलता है कितना जोड़ा जाए, तो हम इसमें देते हैं 1750। ध्यान से देखना है क्या बोला है, कितना जोड़ा जाए। 1750 हम यहाँ भी पेयरिंग कर लेते हैं, कितना हमारा बचा 17। अब देखेंगे 4 का 4 चौके 16, घटाएं कितना है 7 में 6 गया, 1 1 में गया 0, यहाँ कितना बार लिए 4 बार, तो हम 4 इसमें जोड़ देंगे, 4 और 4 8, यहाँ 2 अंक उतर जाएगा 150। अब इसके बगल में हम रख करके देखेंगे कि कौन सी संख्या, इसमें हम लिखेंगे कि 150 में घटाया जा सके, 8 गुना 16 यानी 2 बार लेते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, हम 1 बार ही लेंगे। यहाँ पर 1 लिखे तो यहाँ पर भी हम 1 लिखेंगे, यहाँ हो गया 81, माइनस करेंगे 10 में 1 गया 9, यहाँ कितना बचा 4 4 में 8 नहीं घटेगा, यहाँ से कैरी करेंगे 14 14 में 8 गया 6, तो हमारा कितना हो गया 69, कितना आ गया 69 बच गया शेष। अब हमारा जो वर्गमूल था कितना हुआ 41, यानी शेष जब हमारा बच रहा था कितना जोड़ा जाए, तो 41 के आगे की संख्या हम क्या लेंगे 42, क्या लेंगे 42, 41 के आगे यहाँ पर आया हमारा वर्गमूल 41, लेकिन शेष कितना बच रहा है 69, बाकी बच जा रहा है, तो हम इसके अगले संख्या लेंगे 42, 42 का वर्ग देखेंगे कितना आता है 42 गुना 42, 2 गुना 4 2 चौके 8, 4 गुना 8 4 चौके 16, यहाँ हो गया 4 8 8 16 6, यहाँ हो गया 1764, कितना हो गया 1764। अब हमारा जो अंक था कितना है 1750, इसमें माइनस करेंगे 1750, यहाँ गया 4 6 में 5 गया 1, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1750 में कितना जोड़ेंगे 14, क्योंकि दोनों का अंतर आ रहा है 14, 14 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या कितना आएगा 1764, 1764 आया, जिसका वर्गमूल कितना आया 42, कितना आएगा 42, वर्गमूल 42।
तो इस तरह से हमको लिखना है। क्या करना है, जितना वर्गमूल आया उससे एक ज्यादा लेंगे। यहाँ हमारा 41 आया था तो हमें कितना लिया, 42। अब 42 को 42 से गुणा करेंगे वर्ग निकालने के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या, तो आगे कितना 1764। हमारा पहले का संख्या था 1750, 1750 में को हम घटाया 1764 में, कितना आया 14। यानी 14 अगर हम जोड़ते हैं 1750 में तो हमको पूर्ण वर्ग संख्या ये वाला मिल जाएगा और उसका वर्गमूल कितना है 42 है। आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए जो पूर्ण वर्ग हो। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना आएगा, कितना बार 9 आएगा, 9 9 9 9। ये हो गया हमारा चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब हम देखेंगे इसको जांच करके क्या यह वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि हमको प्रश्न में क्या पूछा गया है, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो हम इसका जांच करेंगे, यहाँ पर दोबारा लिखते हैं, यानी 180 से ज्यादा ही जाएगा और यहाँ पर हमारा है 1899। तो हम कितना बार ले सकते हैं 1899, या हम 9 बार ले सकते हैं, 9 8 72, सॉरी यहाँ 9 लिखेंगे, 9 9 81, 9 8 72, 72 और 8 80 का 0, 5 में 80 8, 9 1 9 और 8 17। फिर से गुणा करके देखते हैं, 9 9 81 का 1, 9 8 72 और 8 80 का 0, 9 1 9 और 8 17। माइनस करेंगे, 9 में 8, 9 में 0, 9 8 में 7 1। यानी हमको क्या करना पड़ेगा, इतना बचा है हमारा शेष और सबसे बड़ी संख्या है हमारा 9999। तो 9999 में जो शेष बचा उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 9999 में जो हमारे चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी, हम कितना माइनस करेंगे, 198। तो 9 में 8 गया 1, 9 में 9 गया 0, 8 में 9 में 1 गया 8, 9। तो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9801, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9801 है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या। फिर से एक बार देखो, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हुआ, 9999। हमने उसका वर्गमूल निकाला, कितना बार गया, 99 बार गया, लेकिन शेष बच गया 198।
तो ये जो शेष बचा उसको पूर्ण वर्ग संख्या में से घटा देंगे तो बच गया हमारा 9801। तो यही हमारा उत्तर है। 9801 चाणकों की सबसे बड़ी संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी तरह से आपको बताना है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण हो। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, प्रश्न नंबर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना आएगा? मल के बाद में आप 5 को 0 लगा दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 ये मिला करके 6 हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हो गया? 1,00,000। हमको देखना है कि पूर्ण वर्ग संख्या 6 अंक का कौन सा आएगा। तो सेम जिस तरह से हमने 5वां नंबर बनाया उसी तरह से बनेगा। देखिए ध्यान से, लेकिन इसमें हम घटाएंगे नहीं, क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 1,00,000, 3, 4, 5 जोड़ा करेंगे, आ गया हमारा 10 है, 2, 3 किया 9, माइनस करेंगे कितना बचा? 1, यहाँ 3 जोड़ेंगे, 3 और 3, 6। 2 अंक हम यहाँ पर उतार सकते हैं, 100 हो गया। अब यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी 1 रखेंगे। क्यों हमने 1 रखा? क्योंकि ये 6 जो दहाई अंक में आ रहा है तो 60 गुना 120, 100 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम कम लेंगे। यहाँ हो गया 61, 10 में से 1 किया 9, और फिर यहाँ कितना बचा? 9 में से 6 गया 3, यानी 39 हमारा आ रहा है शेष। अब फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 2 जीरो और बढ़ा सकते हैं। 2 जीरो हम यहाँ उतार लिए थे, 2 जीरो हमारा बाकी बच गया। अब एक बार हम यहाँ गुणा किए थे तो 1 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 62, ठीक है। आगे इसके बगल में हम क्या रखेंगे? यहाँ पर हमारा है 39, तो 6 छक 36 रखे। देखते हैं 6 बार 6 बार जाता है कि नहीं। 6 छक 36 के 6 6 दुना 12 और 3 15, 12 और 3 15 हो गया, 15 के 5 6 6 36 अरे 37, 10 में 6 गया 4, 9 में 5 गया 4 और 8 में 7 गया 1, 144 कितना हुआ? 144। 316 हमारा वर्गमूल निकला, लेकिन शेष हमारा कितना बच रहा है? 144। तो हमको लेना है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो ये तो पूर्ण हुआ नहीं क्योंकि शेष हमारा बच गया, तो हम 316 से आगे लेंगे। कितना आएगा 316 के आगे? 317। 317 को 317 से गुणा करके देखेंगे हमारा कौन संख्या आएगा? 47 49, 49 के 9, 7 1 7 और 4 11 का 1, हाथ में से 1 बचा, 7 किया 21, 21 और 1 22, 47 49, 49 के 9, हाथ में से 4 7 1 7 और 4 11 का 1, 7 21 और 1 22। अब 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा, 1 अंक हम छोड़ देंगे। 317, फिर 3 से गुना करेंगे, 3 7 21, 3 1 3 और 2 5, 3 किया 9। अब हम इसको जोड़ देंगे, 9 कर 9, 7 और 1 8, सीधा सीधा जोड़ेंगे नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। 1 1 2 और 2 4, 5 5 10 का 0, 9 और 1 10। तो हमारा
छह अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना आ रहा है? 1489 और उसका वर्गमूल कितना है? 317। तो हम आंसर को लिखेंगे, छह अंकों की सबसे छोटी संख्या 1489 है। 1489 है। तो आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें, जहां नहीं समझ में आए रोक करके ध्यान से देखें और कही गई बातों को सुने। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और ये प्रश्नावली समझ में आ गई होगी। तो शाम तक प्रश्नावली 2.5 बना करके व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य भेजें, और जिन बच्चों को समझ में ना आए वे फोन करके भी या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं।